जानिशार है यानिशार मेरी यारा, दुनिया जमाने से वो थोड़ा थुड्डी वाला तिल। तो दोस्तों यहाँ पर हम थुड्डी वाला तिल तिल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम कर रहे हैं बात खाने वाली तिल की बात। यस दोस्तों, ओ माय गॉड दोस्तों, यार चश्मे में मैं मुहा में दिख रहा हूँ। ओ माय गॉड दोस्तों, पता है इससे इल्यूजन बन रहा है। उस चश्मे के अंदर दिख रहा है मेरा फोन दिख रहा है, उस फोन के अंदर मैं दिख रहा हूँ, फिर उस चश्मे के अंदर फोन दिख रहा हूँ, उसके अंदर मैं। ओ माय गॉड, मेरी गॉल दोस्तों। हाँ चलो, तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों ये है खाने वाला तिल दोस्तों, और दोस्तों दिस टाइम तो इसमें फूल आ रहे हैं दोस्तों, और दोस्तों अभी तो ये कच्चा है दोस्तों, फिर जब ये पक जाएगा इसे घर ले जाएंगे, घर चूटेंगे, फिर इसे डब्बे में बंद करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद इसे बाजार ले जाके इसका तेल बनाएंगे, इसका लड्डू भी बनता है दोस्तों। लड्डू तो इतना स्वादिष्ट बनता है कि मेरे मम्मी पापा इतना खाते हैं ना इसका लड्डू दोस्तों, तिल का लड्डू। ओ माय गॉड, पर तिल तो बहुत हो रहा है दोस्तों आजकल, ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा तिल ही तिल है। और दोस्तों ये जो आप ये देख पा रहे हैं ये है धान, और ये देख सकते हैं दोस्तों ये धान में आने लग गए हैं, बीज आने लग गए हैं दोस्तों। और क्योंकि किसी किसी के खेत में भी धान नहीं आ रहे हैं, तो कुछ कुछ खेतों में आने लग गए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। वो वहाँ तक मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखाता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं यह है तिल का फूल, और ये देख सकते हैं यह है तिल, और जो अभी अच्छे से पका नहीं है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यह देख सकते हैं कितना सारा तिल और का है, और जो वो वहाँ तक आप जो देख पा रहे हैं ये पूरी खेती जो है धान की खेती है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। और बीच बीच में आपको झुंघर भी दिख जाएंगे दोस्तों। ओ माय गॉड, और दोस्तों चारों तरफ हरियाली हरियाली, तुम्हारे भाई ने भी हरा चश्मा पहन रखा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तुम्हारे भाई ने भी हरा चश्मा पहन रखा है दोस्तों, तुम्हारा भाई लग रहा है ना एकदम साउथ का हीरो। सच्ची बता देना भाई, सच्ची बताना कि साउथ का हीरो लग रहा है ना तुम्हारा भाई, एकदम गुंडा टाइप वाला लग रहा हो ना। अरे तुम्हारा भाई की अलग है जलवा ठहरा ठहरे को दोस्तों, अलग ही जलवा ठहरा तुम्हारे भाई का तो। हाँ और दोस्तों वहाँ मेरी ताई जी है, चलो ताई जी, ताई जी से मिल के आते हैं। ताई जी तो राशि अपने खेत से घास काट रही है ना, वो उधर है ताई जी, देखो वो रही ताई जी, ताई से मिल के आते हैं जराशी, बहुत दिन हो गए ना। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, और ये रही ताई जी। ताई जी आज तुम्हें चल कस लगना है, बार बता दिए यार सब भूख लगना हीरो जा लगना से तू बिल्कुल। तो दोस्तों मैंने बोला था ना हीरो लग रहा एकदम तगड़ा वाला, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ताई जी। ये मतलब ये डायलॉग इंग्लिश में मार दियो यार, के मारू यार मी के इंग्लिश जो उच्चे मी खा काटचे चला यो। अरे यार वाल ना खाइंग पिंग सोइंग वाल, खाइंग पिंग सोइंग के करो, अभी घास काट के जा रही हूँ ये घर को। हाँ फिर घर जाके बहुत सारा काम है। हाँ और आजकल बारिश ने परेशान कर दिया है, आज तो बहुत होने आता है। हाँ बहुत परेशान कर रही है बारिश, बारिश तो बहुत हो रही है दोस्त जी, इतनी बारिश है, इतनी बारिश है, अब तो बारिश भी नहीं चाहिए। आजकल गाय बैल जंगल टिक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी घर आ जा रही है ना, ज्यादा घास काटना पड़ रहा है। टिक नहीं रहे हैं, बोल दो तीन दिनों बाद नाश्ते के टाइम पर घर करने आ जाते हैं। देखो दोस्तों जंगल डाल रखा, नाश्ता करने घर आते हैं। वाओ व्हाट अ नाइस बॉक्स। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक गाना सुनाने जाता हूँ, फिर दोस्तों मेरा गाना कैसे लगा कमेंट में बता देना। और दोस्तों एक गाना नहीं है वो आलो, वही गाना गाया दोस्तों आज के व्लॉग में। इतना ही, आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।